नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और 3 तारीख से नवरात्रि है, साथ ही 1 नवंबर को दिवाली। ऐसे में खाने के तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। सरकार ने भले ही कंपनियों को दाम ना बढ़ाने को कहा हो, लेकिन कुछ तेलों के दाम 1 महीने में 15% तक बढ़ गए हैं। देश में कैसी है तिलहन फसलों की बुआई, कैसी है फसल और कैसा रहेगा उत्पादन, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर वीवी मेहता, वहीं एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज़ के एवीपी प्रियंक उपाध्याय हमारे साथ बने, और साथ ही प्रतिफिन मार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन बात पहले तिलहन की ही करेंगे, ऑयल सीड्स की करेंगे, जहां पर हमने पिछले 1 महीने के दौरान खास तौर से काफ़ी एक्शन देखा है। अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो ज़्यादातर तेलों के जो दाम है वहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। 1 महीने की अगर हम प्रिसाइसली बात करें तो यहाँ पर जो इजाफा रहा है वो 15% के आसपास का रहा है। एक एक करके इनफैक्ट आपको बताते हैं कि पिछले 1 महीने में किस तरीके के स्ट्रेंथ दिखी है। पाम तेल में हमने 15% की तेज़ी आते हुए देखी है, सनफ्लावर ऑयल में 6% की तेज़ी, सोया ऑयल में पिछले 1 महीने में 11% की तेज़ी देखने को मिली है, साथ ही RBD पामोलिन में 6% की तेज़ी रही है। सरसों के प्राइसेस 9% बढ़े हैं, वहीं मूँगफली के तेल में भी 2% का इजाफा देखने को मिला। और इंटरेस्टिंग ये है कि जो भी बढ़ोतरी पिछले 1 साल के दौरान रही है वो पिछले 1 महीने में ही ज़्यादा रही है, क्योंकि 1 साल के गेंस और पिछले 1 महीने के गेंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि अब फेस्टिवल सीजन की शुरुआत परसों से, तो उससे ठीक पहले कैसे रह सकते हैं, डिमांड कैसी दिख रही है, प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। वीवी मेहता हमारे साथ कनेक्टेड होंगे, उससे पहले मनोज जी से भी एक राय ले लेते हैं। मनोज जी, आप कैसे देख रहे हैं प्राइसेस को? इनफैक्ट जो भी ऑयल सीड्स के प्राइसेस हैं वो यहाँ से स्टेबल रहेंगे और बढ़ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने भले ही कहा है कि प्राइसेस ना बढ़े, लेकिन सर्ज तो हमने देखा और टिकते हुए देखा है सर्ज। बिल्कुल दीपाली जी, हम देखें तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में भी निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, चाहे वो ऑयल सीड्स हो या एडिबल ऑयल हो। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो भारत सरकार ने भी यहाँ पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी में इजाफा किया है, उसका असर साफ तौर पर जो है घरेलू बाजारों में भी कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया है, और खाने के तेलों में एक अच्छी बढ़त पिछले 15-20 दिनों में देखने को मिली है। साथ ही ऑयल सीड्स में अगर हम बात करें तो सोयाबीन में जब से भारत सरकार ने बोला है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर सरकार की खरीदारी होगी, तो उसके बाद से हमने सोयाबीन की कीमतों में भी एक अच्छा उछाल जो आते हुए देखा है। हमारा मानना है कि यहाँ पे हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, और स्पेशली राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में बारिश के चलते यहाँ पे हार्वेस्टिंग में जो है प्रभाव पड़ता हुआ नजर आया, और फसलों में भी कुछ जगह जो है खराबी के समाचार हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है, तो हमारा मानना है कि ऑयल सीड्स की कीमतें अभी यहाँ पे आगे फेस्टिवल और मैरिज सीजन को देखते हुए बढ़त जो है वो बरकरार रह सकती है। सोयाबीन में हमारा मानना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर जो है मंडी में कीमतें देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। वहीं खाने के तेलों में भी जो बढ़त आई है वो यहाँ पे सस्टेनेबल जो है होती हुई नजर आ रही है आने वाले समय में। दीपाली जी, ठीक है, तो इनफैक्ट आवक किस तरीके की है उससे ही शुरुआत कर लेते हैं। मिस्टर वीवी मेहता भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेहता साहब नमस्कार, पहले तो ये बताइए, जैसे मनोज जी ने भी कहा कि बारिश का भी कुछ असर हुआ है कुछ स्टेट्स में, आवक हालांकि आना शुरू हो चुकी, तो पहले तो इसी से शुरुआत कर लेते हैं कि फिलहाल किस तरीके के अराइवल्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ओवरऑल अवेलेबिलिटी को लेकर, बताइए। देखिए, पहले तो जो आज इन दफा जो एरिया है काफी अच्छा रहा है, जो लास्ट ईयर के जितना तो अभी हो गया है, हो सकता है कि 2 से 4 लाख हेक्टर बढ़े, खास तौर पे मूंगफली में 1 से 4 लाख हेक्टर बढ़ा है, तो एक बड़ा अच्छा साइन दे रहा है कि क्रॉप आगे अच्छा है। यहाँ तक सोयाबीन का आंसर है, जहां हमारी रिपोर्ट मिल रही है कोई ऐसा कोई नुकसान की रिपोर्ट नहीं, यहाँ कोई छुटपुट का नुकसान हुआ है तो एक अलग चीज है, बाकी सोयाबीन की कोई बड़ा नुकसान होगा ऐसे कोई चीज नहीं है। जहां तक का एरावल की सवाल है कि अभी सोयाबीन की एरावल स्टार्ट हो जाएगी, ऑलरेडी लोग आने की शुरुआत कर दिए, मूंगफली में शायद और 15-20 दिन और लगेगा एरावल के लिए। और जहां तक आपने प्राइस का पूछा, प्राइस के लिए देखिए गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था ड्यूटी बढ़ाने का, कि जो पहले आज से 1.5 महीने के पहले सोयाबीन जो आज 4,892 उसकी MSP है, तभी 4,200 में भाव गिर गए थे, काफी डिस्ट्रेस था किसानों को, किसान के सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ड्यूटी बढ़ाई है,
ड्यूटी बढ़ा है तो थोड़ा भाव तो बढ़ने वाला था, तो थोड़ा 10% भाव बढ़ा है, और अभी आज देखे तो 4700 तक पहुंचा है एमएसपी है 4892। हम आशा करते हैं कि जब ये फुल अराइवल हो तभी गवर्नमेंट और भाव सपोर्ट करने के लिए पूरा अपना मार्केट ऑफ एमआईओ को जो बोला जाता है वो करे और माल ले तो मार्केट ऑर्डर सपोर्ट करके। अभी एक दिक्कत जो आ रही है कि नॉर्मली क्रशिंग इज सपोर्टेड बाय द मील एंड द ऑयल, आज मिल खाली डिप्रेस है, मिल की डिमांड नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए, खाली तेल के भाव ऊपर के उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसके वजह से अभी भी एमएस के ऊपर नहीं गए। हो सकता है कि भाई अभी अगले 15 दिन 20 दिन में थोड़ा इंटरेस्ट मार्केट तेज हुई है उसके वजह से लोकल तेल के भाव बढ़े हैं तो उसकी इम्पैक्ट होगी, तो हो सकता है कि एमएसपी के तहत सोयाबीन का भाव किसान को मिल जाएगा। हाँ, तो मिस्टर मेहता आप किसान की बात कर रहे हैं, सरकार किसान और कंज्यूमर दोनों की बात कर रही है, और हम भी कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से आपसे प्राइसेस पर बात कर रहे हैं। लेकिन प्राइसेस पर आने से पहले एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पर पहले पूछना चाहती हूँ, आप क्योंकि नवरात्रि फिर दिवाली आगे वेडिंग सीजन की भी शुरुआत हो जाएगी, तो ये जो एनहेंस डिमांड रहेगी इस सीज़न में उसको मीट करने के लिए क्या अवेलेबिलिटी पर्याप्त है? या देखिए, अगर आप सप्लाई चेन इज वेरी वेरी कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम, जितना तेल चाहिए इससे ज्यादा इंडिया में स्टॉक से लास्ट ठीक है। 5 सितंबर को कम से कम टोटल स्टॉक 30 लाख रहता। नॉर्मली वी ऑपरेट अबाउट 20, 30, 30 to 35 स्टॉक, मतलब आपको चाहिए हर महीने 20 लाख टन तेल चाहिए, उसके सामने हम 25 से 30 लाख टन का स्टॉक है, तो सप्लाई चेन में कोई विकास नहीं है। यहाँ तक कि भाव की बात हुई, आप कंज्यूमर के एंगल से बात की, मैं थोड़ा अलग जा रहा हूँ कि हमने अर्बन कंज्यूमर काफी पेम्पर किया है। अगर 10 रुपया भी भाव बढ़ गया तो उसको ज्यादा, आज आपके घर में तो मेरे घर में 2 किलो खाते तेल, 20 या 25 रुपये मेरा बजट या आपका बजट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और किसान को काफी फर्क पड़ता है। तो कभी हमको किसान की तरफ देखना पड़ेगा, अगर किसान नहीं जिंदा रहेगा तो इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी, और कंज्यूमर को तो और महंगा तेल मिलेगा जब इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा और एक चीज और समझ लेकिन लीजिए। मिस्टर मेहता, जब आप खुद कह रहे हैं कि सप्लाई की कमी नहीं है, अवेलेबिलिटी पर्याप्त है, ड्यूटी बढ़ाई सरकार ने इसीलिए प्राइसेस बढ़े, लेकिन प्राइसेस तो ड्यूटी बढ़ने से पहले ही बढ़ना शुरू हो चुके थे नहीं, और ऐसा अब नहीं तक भी था। हम देख देखिए रहे हैं कि कोई देखिए नरमी आई नहीं है, तो जब नहीं, सप्लाई हाँ देखिए ऐसा नहीं है। अपनी जी बोलिए। जो 60% डिपेंडेंस इंपोर्ट पे है वो उसे लिंक है, पूरी अपनी मार्केट लिंक। अगर मलेशिया इंडोनेशिया में भी भाव बढ़ता है तो यहाँ भाव बढ़ता है शिकागो का। अगर रात को पूछो, हमारे दोस्त लोग बैठे हैं प्रियांश जी या तो मनोज जी, शिकागो देख के भाव निकलते हैं कि भाई शिकागो में क्या आज मार्केट रही, उससे भी भाव निकलते हैं। तो वी आर कंप्लीटली लिंक विद इंटरनेशनल मार्केट, इज नॉट के हम इंडिपेंडेंट चल रहा है। अगर इंटरनेशनल मार्केट जा रही तो हम जा रहे हैं, और आप देखिए राइट तो 60 to 90 डॉलर एक महीने में बढ़ा है इंटरनेशनल मार्केट, तो उसके वजह से उनके भी इम्पैक्ट आने वाली थी, ड्यूटी की इम्पैक्ट है। अच्छा मिस्टर मेहता, एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, अब आप पिछली बार जब हमारे साथ जुड़े थे, मेरे ख्याल से पिछले मंगलवार को ही आपसे बातचीत हो रही थी अगर मैं सही हूं, तो तब आपने कहा था कि जो कम ड्यूटी पे इम्पोर्ट हुआ था वो तो खत्म होने वाला है, वो 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा, और अब फिर तो हम जो ड्यूटी बढ़ाई है सरकार ने उस पर ही इम्पोर्ट करेंगे सब, तो फिर प्राइसेस इसीलिए कम नहीं हो सकते। तो अब मान के चले कि जो वो सस्ता इम्पोर्ट था वो तो खत्म होने वाला होगा, अब क्योंकि महंगे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद जो इम्पोर्ट है वो उसकी कीमत बढ़ गई, तो अब जो प्राइसेस बढ़ गए हैं यहीं पे सस्टेन होंगे, यहां से और भी बढ़ सकते हैं, अब भाव किधर जा रहा है? भाव जो अभी है आई थिंक एक रिजनेबल लेवल पे है, खास तौर पे अगर इंटरेस्ट मार्केट तेज हुई तो थोड़ा भाव पे फर्क आएगा, पर जो अभी इंडिकेटर दिख रहा है कि साइडलाइन मार्केट चलेगी, इतनी इंटरेस्ट मार्केट ऊपर ऊपर नहीं जाएगी। जो बढ़ना था लास्ट 15 दिन एक महीने में बढ़ गई 80 से 90 डॉलर तक, अभी ऊपर जाने की खास कोई उम्मीद नहीं, कोई रीजन नहीं है। हाँ अगर वॉर हो गया या मिडल ईस्ट में या तो इराक वहां पे तो फर्क पड़ता है, बाकी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस मेरे ख्याल से ये साइडलाइन एडिबोलॉजी चल गया, 25 डॉलर ऊपर जाएगा तो 25 डॉलर नीचे जाएगा, ज्यादा गुंजाइश नहीं है। हाँ जी मैडम, अच्छा, तो आपके हिसाब से भाव यहां पर स्टेबल रहेगा? मनोज जी, आपको भी ये लगता है कि भाव यहां से स्टेबल रहेंगे या रेंज में रहेंगे? हाँ शॉर्ट टर्म में दीपाली जी रेंज में रह सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जिस तरह से चाइनीज स्टिमुलस की शुरुआत हुई है और डॉलर में भी कमजोरी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन की तरफ हम बढ़ेंगे तो
तो थोड़ी और बढ़त जो है कीमतों में देखने को मिल सकती है 5 से 10 रुपए किलो की। तो नीचे जाने की संभावना अब यहाँ से कम लगती है, और जैसे जैसे डिमांड जो है वो इमर्ज होगी आने वाले समय में, तो निश्चित रूप से कीमतों को सपोर्ट मिलेगा और हो सकता है कि वर्तमान लेवल से 5 से 10 रुपए किलो तक की तेजी और जो है खाने के तेलों में आती हुई नजर आए। मिस्टर मेहता, मनोज जी की बात से सहमत है? नहीं, वो बोल रहे 5 से 10 रुपए, मेरे को लगता है वो ज्यादा बोल रहा है। 5 से 10 रुपए किलो इतना गुंजाइश मेरे को तो दिख नहीं रही, क्योंकि जो भाव बढ़ना था वो भाव ऑलरेडी बढ़ चुका है। इम्पोर्ट ड्यूटी जो बढ़ा है उसका भी इम्पैक्ट आ गई है। हाँ, अगर इंटरेस्ट भाव और 50 करोड़ डॉलर बढ़े तो अलग चीज है, जो मनोज जी बोलते हो सकता है, पर अभी ऐसा इंडिकेशन दिखता नहीं कि इंटरेस्ट मार्केट और सडनली ऊपर जाएगी। 25-50 डॉलर ऊपर नीचे तो मार्केट चलती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। क्या फर्क पड़े, 2-3 रुपया का किलो पे फर्क पड़ता है, पर अगर 5 से 10 रुपए की जो किलो पे बात कर रहे हैं वो काफी ज्यादा। ये 20% ड्यूटी लगाने के बाद में भी 10-12 रुपये से ज्यादा नहीं गया था भाव। तो अगर फिर भी अगर वो मनोज जी ज्यादा जानते हो गए, 5 से 10 रुपए किलो की बात कर रहे हैं, मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है मनोज जी, अपने फंडामेंटल के पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट करके बता रहे हैं, और भाव एक ऐसी चीज़ है कि आप आकलन ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि किस तरफ जाएंगे। और मिस्टर मेहता, आपने तो खुद ही कहा कि ओवरनाइट कुछ बदलाव हो जाए तो प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं, तो शायद वो सारे रिस्क कैलकुलेट करके मनोज जी ने ये सजेशन दिया होगा। अच्छा, क्विकली एक आखिरी सवाल होगा मिस्टर मेहता आपसे। पाम, सनफ्लावर और सरसों, इन तीनों की अवेलेबिलिटी, इम्पोर्ट्स, डिमांड कैसा लग रहा है सिनेरियो? देखिए, अब तक अगर इम्पोर्ट की अगर सीनियर देखे, इम्पोर्ट काफी आया है, लगभग 1,135 लाख से कुछ आ गया है, और ये महीने में सितंबर का, और मेरे ख्याल से 10-12 लाख टन आएगा, और अक्टूबर आपके पास है, तो टोटल इम्पोर्ट ये साल होगा 160 लाख के करीब, 2 लाख आगे पीछे हो सकता है, 160 लाख टन है, और लोकल अवेलेबिलिटी भी अच्छी है। और दूसरा, एक बारिश अच्छी रही है इसके लिए ये सब का खरीफ का उत्पादन अच्छा रहेगा, सोयाबीन है चाहे तो ग्राउंड नट है। और तीसरा जो फायदा है कि अभी जो लेट रेन हुआ है और सारे रिजर्व फुल है, तो आपका रबी क्रॉप भी यू कैन एक्सपेक्ट मच बेटर देन अर्लियर ईयर। तो ये फैक्टर सब दिख रहा है कि भाई ये साल में अपना इम्पोर्ट थोड़ा कम होना चाहिए। ये साल मतलब अक्टूबर तक का, तो जो मैं बात करूँ 160 लाख की बात करूँ, अगले साल 25 लाख जो होगा उसमें शायद हो सकता है कि इम्पोर्ट थोड़ा कम हो सकता है। बाकी सप्लाई इज वेरी मच कंफर्टेबल, जितना चाहे इतना तेल मिल रहा है, कंज्यूमर को कोई परेशानी तेल नहीं मिले की नहीं है। और एक चीज और बता दूं मैडम, 10 साल पहले भी 80 रुपया 90 रुपए का तेल था, अभी थोड़ा माइंडसेट हमको चेंज करना पड़ेगा। आज सारे कमोडिटी के भाव बढ़े हैं, तो तेल को हर दफा तेल को क्यों फोकस किया जा रहा है, उसका भी भाव बढ़ने दीजिए, तो ताकि किसान को सही दाम मिले, नहीं तो किसान दूर भाग जाएगा और इम्पोर्ट बढ़ जाएगा। बिल्कुल, सही बात कह रहे हैं मिस्टर मेहता आप, कि ज़्यादा सप्रेस नहीं करना चाहिए इस इंडस्ट्री को प्राइस वाइज। हालांकि अब एक बात अच्छी है, जैसे कि आपने कहा कि शायद इम्पोर्ट डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि अपना जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बेहतर साइड पर दिखाई दे रहा है। थैंक यू मिस्टर मेहता आने के लिए शो में, और सभी पर्सपेक्टिव से अपनी राय ऑयल सीड्स पर रखने के लिए। इस बीच एग्री कमोडिटी पैक को ही देखें अगर हम आज के सेशन में, तो हमने ज़्यादातर एग्री कमोडिटीज़ में दबाव के साथ ही ट्रेड होते हुए देखा है, फिर वो ग्वार पैक हो, स्पाइसेस हो या कॉटन सीड ऑयल, केक ही क्यों ना हो। लेंगे स्ट्रैटेजीज़ मनोज जी से भी, साथ ही साथ प्रियंक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके भी ट्रेड्स को समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री, हमारे साथ एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज़ के वीपी प्रियंक उपाध्याय हैं, साथ ही हमारे साथ हैं मनोज कुमार जैन, प्रति फिनमार्ट के डायरेक्टर। और अब लेते हैं ट्रेड्स, बताइए प्रियंक, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं अभी? गुड इवनिंग। आज हमारे पे एक एनर्जी कॉम्प्लेक्स से रहेगी। हमने देखा है कि क्रूड ऑयल मार्केट में एक डाउन ट्रेंड हमने देखा था, वो अभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बेस बना रहा है, एंड हायर लेवल्स एक्सपेक्टेड है इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। अभी 5690 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं, तो यहाँ से अगर डिप मिलती है अराउंड 5650-5600 जोन्स में, तो वहां पे बाई किया जा सकता है। 5450-5400 के नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ से 6000-6100 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे।
वहीं दूसरे पिक हमारी गोल्ड में रहेगी। हमने देखा है कि गोल्ड में एक शानदार रैली आई है और मुझे लगता है कि ये हायर लेवल से एक प्रॉफिट टेकिंग का लेवल से रहेंगे। यहाँ पे अराउंड 76,000 साइकोलॉजिकल लेवल से रहेंगे, तो 76,000 76,100 के आसपास इसे सेल किया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस अबाउट 76,450 76,500 के आसपास। और वहां से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बार फिर से हम 75,000 74,500 तक गोल्ड में ये एक पुल बैक ट्रेंड रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलियंस का पॉजिटिव ही है। ओके मनोज जी, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं रूपाली जी की दीपाली जी की यहाँ पे हम जो है इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक अच्छी जो है बढ़त देखने को मिली है और पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। तो मेरा मानना है कि सिल्वर भी यहाँ कहीं ना कहीं जो है वो ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है। तो डिप्स में बाई की सलाह रहेगी सिल्वर के दिसंबर वायदा में 90,800 के आसपास के अगर स्तर मिलते हैं शाम के सत्र में तो बाय करना चाहिए 90,000 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के। ऊपर में हमारा मानना है कि 92,100 तक के जो स्तर है वो फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। वहीं बेस मेटल में लेड में 184 के स्तर पर अक्टूबर वायदा में बाइंग की जा सकती है। 182 का एक स्टॉप लॉस रखें और लक्ष्य ऊपर में यहाँ 188 तक के रखे जा सकते हैं। ओके तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। लेकिन सिल्वर पर प्रियंक, आप भी तेजी का ही व्यू लेके चल रहे हैं क्या? मनोज जी ने तो खरीदारी की सलाह दी ही है, लेकिन यहाँ पर बुलियंस प्लस मेटल्स दोनों का ही ट्रिगर काम कर रहा है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है इन लेवल से? सिल्वर में हम देखने को जाएंगे तो बेस मेटल्स का भी काफी महत्व रहता है और जिस तरह से बेस मेटल्स में हमने चाइना के मेजर्स के बाद जो रैली देखी है तो अंडरटोन बेस मेटल्स का बुलिश है एंड सिल्वर 50% बेस मेटल्स का भी कंट्रीब्यूशन देती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सिल्वर अभी आउट परफॉर्म कर सकती है गोल्ड को आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो सिल्वर पे बाई की सलाह रहेगी। यहाँ से अगर करेक्शन मिलता है मे बी अराउंड 90,500 90,000 जोन्स वो एक अच्छे लेवल से रहेंगे सिल्वर में अक्यूमुलेट करने को और फिर से हम एक बार 94,000 तक का रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लोअर साइड अराउंड 86,500 87,000 88,000 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो उसके नीचे एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ठीक है, तो ये रह रही है आपके लिए सिल्वर पर, जहाँ पर 91,252 की मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा मनोज जी, बेस मेटल पैक से लेड पर तो आपने खरीदारी की कॉल दी है, लेकिन कॉपर पर आपकी राय क्या है, स्पेशली उन ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए जो अपनी पोजीशन अभी होल्ड कर रहे हैं और अच्छे प्रॉफिट्स में हैं? कॉपर में हमारा मानना है कि अगर मैं एलएमई की बात करूं तो $9,520 एक अच्छा सपोर्ट जो है वो टेक्निकली नजर आता है। वहीं भारतीय बाजारों में जो कॉपर का अक्टूबर का वायदा है 840 एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे जब तक कीमतें 840 के स्तर के ऊपर बनी हुई है वो एक स्टॉप लॉस रख के पोजिशन को होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 870 भारतीय बाजारों में और एलएमई की अगर बात करें तो $10,300 के आसपास एक रेजिस्टेंस नजर आता है तो वो लेवल पे एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। लेकिन स्टॉप लॉस का यहाँ स्ट्रिक्टली जो है पालन करना चाहिए क्योंकि अभी काफी वॉलेटिलिटी जो है देखने को मिल रही है ओवरऑल बेस मेटल पे। ओके अच्छा, नई एंट्री के हिसाब से प्रियंक, आपका कहीं कन्विक्शन है क्या बेस मेटल्स में? हेलो प्रियंक, हेलो, आपको ऑडियो मिल रही है तो बताइए, बेस मेटल्स में कोई नए ट्रेड के हिसाब से कन्विक्शन है? हेलो, शायद शायद प्रियंक तक ऑडियो नहीं जा रही है, लेकिन उसे उस प्रियंक से रिकनेक्ट करेंगे। लेकिन मनोज जी से एग्री कमोडिटीज पर एक रैली लेते हैं। अच्छा, एग्री स्पेस में कहीं नजर है क्या आपकी मनोज जी? एग्री पेक में यहाँ दीपाली जी कल जो है लोकल मंडीज बंद रहेगी। यहाँ पे गांधी जयंती का हॉलिडे है उसके चलते, तो उसी के चलते आप देख रहे हैं कि आज ओवरऑल एग्री कमोडिटी पेक में जो है मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो आज के सत्र में यहाँ कोई फ्रेश पोजीशन बनाने की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन हमारा मानना है कि स्पाइसेस में यहाँ पे कोरिएंडर में निचले स्तरों से एक अच्छी बढ़त जो है आती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे जब नेक्स्ट जो ट्रेडिंग डे रहेगा थर्सडे का, वहाँ पे फिर कोरिएंडर में जो है निचले स्तरों पर कहीं भी 7,300 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो वहाँ पे रणनीति बनाई जा सकती है। ओवरऑल स्पाइसेस पैक पे कोरिएंडर यहाँ पे
स्ट्रॉन्ग काउंटर नजर आता है बाकी कमोडिटीज के कंपैरिजन। तो एग्री पैक में खरीदारी कह सकते हैं या कन्विक्शन कह सकते हैं, कुरिंदर प्रसाद है 7,406 के मौजूदा लेवल्स हैं। हालांकि आज के कारोबार में बाकी स्पाइसेस देखेंगे तो टर्मरिक 0.25% नीचे ट्रेड कर रहा है, जीरे में भी 1% की गिरावट देखने को मिल रही है, धनिया का तो अभी जिक्र हुआ ही। इसके अलावा अगर ग्वार पैक को देखेंगे तो ग्वार गम ग्वार सीड दोनों नरम है, कैस्टर में 0.1% की गिरावट है और कॉटन सीड ऑयल केक भी 1% गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। चलिए शो को समेटने का वक्त है, शुक्रिया मनोज जी प्रियंका आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने स्ट्रैटेजी ट्रेड्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।